क्या मच्छर के काटने से एचआईवी हो सकता है? बहुत से लोगों में ये मुझसे सवाल पूछा गया है कि सर क्या मच्छर के काटने से एचआईवी हो जाएगा मुझे? तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और इस चैनल के ऊपर आपको सभी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मच्छर के काटने से एचआईवी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं, दिन में पूरे दिन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे लोग मैसेज करते हैं कि सर मुझे मैं किसी एचआईवी पर्सन के साथ सोया था, ठीक है, या फिर मैं किसी हॉस्पिटल में था, एडमिट था, जहाँ पे मेरे बगल में एचआईवी पेशेंट्स भी थे, वहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मच्छर ने पहले उसे काटा है फिर मुझे काटा है और मुझे एचआईवी हो जाए, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब सीधा सीधा है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मच्छर के शरीर में एचआईवी को वो एनवायरमेंट, एचआईवी का जो वायरस होता है उसको एक बेटर एनवायरमेंट नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो जिंदा रहती है। तो बेसिकली सीधी सी बात यह है कि मच्छर के शरीर में एचआईवी का वायरस जिंदा नहीं रह सकता है, तो इसलिए मच्छर के काटने से एचआईवी का होना नामुमकिन है, नहीं होगा। बहुत मतलब शायद मेरी जिंदगी में मैंने तो ऐसा कोई केस सुना नहीं है, ठीक है। अगर आपने कहीं सुना है, पढ़ा हो तो प्लीज मुझे बताएं, लेट मी नो, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। बाकी अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में मच्छर के काटने से तो एचआईवी मैंने कभी किसी को होते देखा नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है बार बार कि क्या मच्छर के काटने से एचआईवी हो सकता है, तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर आप भी एचआईवी की दवाइयां ले लेके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, हालत खराब हो चुकी है, तो प्लीज हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कीजिए, आपको बचाया जा सकता है एचआईवी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर एचआईवी के बहुत अच्छे मेडिसिन हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आप आइए हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए, नंबर दिया हुआ है जो स्क्रीन के उसके ऊपर, कॉल करके आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। बाकी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब किए बिना कहना कहीं ना जाएं। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।